साथियों नमस्कार, प्रणाम, दुआ, सलाम। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और शानदार, जानदार, कमाल, फ्रेश, एनर्जेटिक सेशन में। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज है साथियों 1 जुलाई, और आप सभी को पता है 8 जुलाई से एनटीए यूजीसी नेट की एग्जाम की घोषणा हो चुकी है। इसके बारे में बात करेंगे। और आज 1 जुलाई हो गई है, शाम के 4 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों के पास कोई सूचना नहीं है कि आपके एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं। साथ के साथ आपकी जो सब्जेक्ट वाइज जो डेट शीट है वो कब आने वाली है, ऐसी कोई सूचना अभी तक आपके पास नहीं पहुंची होगी। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बतलाने वाला हूं कि आपकी डेट शीट कब तक आएगी और आपके एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, क्योंकि मुझे पता है आपके मन में पढ़ाई लिखाई छोड़कर सबसे ज्यादा जो चलने वाला जो सवाल है वो यही है कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, डेट शीट कब आएंगी। और बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि और डिले करा दो, रद्द करवा दो। अरे भाई, ये कर क्या रहे हो आप लोग? पहले कहते थे एग्जाम कब होगी, अब ये लो एग्जाम की डेट आ पड़ी तो अब कहते हैं कि उसको और पीछे करा दो। ऐसे बतेरे लोग हैं। खैर, इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे इस सेशन में। जो साथी नए हैं, मुझे नहीं जानते, मैं अपना परिचय उनको संक्षिप्त में दे देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने पढ़ाने का लंबा अनुभव है। आपकी नेट जेआरएफ की एग्जाम को भी कई बार मैं उत्तीर्ण कर चुका हूं। साथ के साथ पीएचडी किया है देश के सबसे बड़ी विश्वविद्यालय में। पढ़ने पढ़ाने का काफी अनुभव है। बहुत सारे आर्टिकल नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में लगातार मेरे प्रकाशित होते रहते हैं। तो एनटीए नेट कैटेगरी या हायर एजुकेशन से जुड़े हुए मुझे काफी समय हो गया है। इस चैनल पर मैं उन तमाम प्रश्नों के जवाब देता हूं जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे पीएचडी कैसे की जाती है, प्रपोजल कैसे बनते हैं, सिनॉप्सिस कैसे बनाए जाते हैं, रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, कैसे पब्लिश करवाते हैं, ऐसे तमाम चीजें, या प्रोफेसर पद के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए, पीएचडी के लिए कहाँ अप्लाई करना चाहिए, सीट कहाँ पर आई हुई है, कैसा प्रोसेस, मतलब इन सब तमाम चीजों जो मैंने इन सब चीजों को अपने जीवन में अनुभूत किया है, अनुभव किया है एक यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते हुए, उन तमाम चीजों को मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करता हूं। तो भाई साहब, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नेट 2022 सब्जेक्ट वाइज एग्जाम डेट की। उससे पहले मैं आपकी कुछ जानकारी में लाना चाहूंगा कि ये ऑफिशियली डेटा था जिससे हम लोगों की जो डेट सीट थी साथियों यहां पर आ गई है। यानी 8 जुलाई से एक चरण, 8 जुलाई से 12 जुलाई तक एक चरण होने वाला है, और 12 जुलाई से 14 अगस्त तक एक चरण होने वाला है। हम डेट सीट पर बात करेंगे, एडमिट कार्ड पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको एनटीए की वेबसाइट दिखाना चाहता हूं शाम को 4 बजे कि क्या स्थिति है, क्या कोई नोटिफिकेशन आया है क्या, उसके बाद में हम यहां पर बात करेंगे। हाँ, हम चलते हैं डायरेक्ट एनटीए की वेबसाइट पर जो मैंने आप लोगों के लिए खोल कर रखी हुई है। ये साथियों एनटीए की वेबसाइट है, इस समय आप देख पा रहे होंगे। एक बार मैं आप लोगों के लिए रिफ्रेस कर देता हूं इसको यहां से, ताकि आपको बिल्कुल अप टू डेट डेटा यहां पर मैं आपके सामने साझा कर सकूं। अच्छा सुनो, यहां पर साथियों आप देख पा रहे होंगे कि जो अंतिम जो नोटिफिकेशन आया है, आखिरी नोटिफिकेशन वही है जो आपकी डेट की घोषणा इन्होंने की थी। यानी नेट के बारे में अभी 4 बजे तक तो किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है। अब सबसे पहले डेट सीट कब आएगी, देखो ये वीडियो मैं बना रहा हूं शाम को 4 बजे, 1 जुलाई है साथियों आज। लेकिन इस वीडियो से बनाने से पहले मैंने कई सारे सोर्स का उपयोग किया है। अब आप जानते हो आजकल हर आदमी के हर जगह सोर्स है, उन्हीं सोर्स का उपयोग करते हुए मैं इस वीडियो को आपके लिए लेकर आया हूं। एक तो यार हर आदमी अपना सोर्स लगाता है और अपने सोर्स के अनुसार बात करता है, क्योंकि अपने इस चैनल पर हम ऑथेंटिक चीजों की ही पुष्टि करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि पहले की जुलाई में एग्जाम होगी, मिड जुलाई के आसपास एग्जाम होगी, उसी समय एग्जाम हो रही है। देखो आज मैं आज बता दूं, आज रात, मेरी बात ध्यान से सुनो, मिला लेना बाद में, आज रात या फिर कल सुबह यानी मॉर्निंग में 12 बजे से पहले, आज रात या कल सुबह 12, मेरे जो सोर्स हैं, आप जो कहीं से भी हो सकते हैं, आपको मैं बता नहीं सकता, आज रात या कल सुबह तक आपकी एग्जाम की डेट सीट जारी होने वाली। डेट सीट का मतलब क्या होता है, डेट सीट का मतलब होने वाला है कि हिस्ट्री की एग्जाम कब होगी, ज्योग्राफी की कब होगी, इंग्लिश की कब होगी, वो तमाम चीजें या तो आज रात तक, संभावना आज रात की है वैसे,
अगर आज रात नहीं तो कल सुबह तक संभवतः, कल सुबह तक संभवतः आपकी साथ ही डेट शीट जारी हो जाएगी। एक बात तो ये, अब मान लो डेट शीट हमारी जारी होगी, अब एडमिट कार्ड कब आएंगे? क्योंकि बड़ा सवाल एडमिट कार्ड का भी तो है ना यार, कि कब आएंगे एडमिट कार्ड, कि एडमिट कार्ड की डेट क्या होगी। एनटीए की वेबसाइट देखो यार, एडमिट कार्ड की बात ऐसे कि 8 जुलाई को हमारी अगर पहली एग्जाम है ना, तो नियम होता है 7 दिन पहले का, अगर 7 दिन पहले भी नहीं तो 5 दिन पहले ये एडमिट कार्ड आपके जारी कर दिए जाएंगे, या फिर सब्जेक्ट वाइज जो डेट आएगी ना उसमें बता दिया जाएगा कि पहले कौन कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम है और बाद में कौन कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम है। जो एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जो शुरुआत के जो चरण में जो एग्जाम होगी उन्हीं एग्जाम्स के एडमिट कार्ड पहले जारी किए जाएंगे। आप ये मत सोच लेना कि भाई एक किसी के एग्जाम अगस्त में जाके है और उसके एडमिट कार्ड आज ही आ जाएंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले 8 तारीख और 9 तारीख को जो एग्जाम होने वाली है उसके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ओके, तो जिन लोगों की सितंबर में या लास्ट में एग्जाम होने वाली है जुलाई में, भाई वो अपने एडमिट कार्ड की अभी उम्मीद मत करो, ठीक है। तो जो 8 तारीख और 9 तारीख को जिसकी एग्जाम होने वाली है उसके एडमिट कार्ड साथियों आपको 7 दिन या 5 दिन देखने को पहले मिलेंगे। तो मैं कहता हूं 3 तारीख को 3 जुलाई को आपके एडमिट कार्ड 100% प्यारे साथियों आ जाएंगे। 3 जुलाई को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड साथियों जो 8 तारीख की एग्जाम है, जहां तक मेरे सोर्स की बात है 3 जुलाई तक आपके एडमिट कार्ड यहां पर आ जाएंगे। 3 जुलाई तक साथियों आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं। अब देखो भले ही आप दुनिया भर के वीडियो देखो, यही फाइंड आउट करो, लेकिन जो मतलब हर आदमी के अपने सोर्स हैं यार, हर डिपार्टमेंट हर जगह। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत कहते रहिए। शुक्रिया।